प्यारे बच्चों नमस्कार। श्री विश्वकर्मा एकेडमी की तरफ से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। बहुत सारी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के साथ जिसे मैं आपकी मदद कर सकता हूं आपके सपनों को सच करने में, आपको डॉक्टर बनने में। तो बच्चों यूनिट टू के जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स क्लास 11 बायोलॉजी में हमने इससे पहले बहुत डिटेल में कवर किया एनिमल टिश्यू के बारे में। और उसके बाद से आपको उसी चैप्टर में अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो जो एनिमल टिश्यूज हैं उसी के बाद में आपको एनिमल्स के बारे में छोटा सा दिया गया है चैप्टर, पैराग्राफ ही दिए हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं दिया है। तो उसमें बेसिकली तीन एनिमल्स के बारे में आपको पढ़ना है, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, वो है आपके फ्रॉग, अर्थवर्म और कॉकरोच। तो आज से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने फर्स्ट एनिमल की, कॉकरोच की। तो चलिए आज हम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। कॉकरोच को देखिएगा, कॉकरोच को हम अमेरिकन कॉकरोच भी बोलते हैं। इसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल है बच्चों कि इसका जो नेटिव है, मूलता जो है पाया जाता था वो अमेरिका में पाया जाता था, इसीलिए इसको अमेरिकन कॉकरोच बोलते हैं। क्योंकि अभी हर जगह पूरी दुनिया में फैल गया है, हर जगह मिलेगा आपको, इसलिए इसे कॉमन कॉकरोच भी बोलते हैं, वेरी कॉमन है। और चूंकि ये शिप के थ्रू, आपको पता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में जो अपने चीजें इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, जिसको हिंदी में आयात निर्यात बोलते हैं, तो ये शिप के थ्रू अमेरिका से शिप के थ्रू दूसरे कंट्रीज में पहुंच गए, इसलिए इसको शिप कॉकरोच भी कहते हैं। कॉकरोच के अंदर अगर ये देखिए, मैंने यहां बताया कॉकरोच इज नेटिव ऑफ अमेरिका, लेकिन ये पूरी दुनिया में भी फैल गया है। कॉकरोच को बच्चों हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। आज के जो लाखों साल पहले ऑर्गेनिज्म पाए जाते रहे होंगे, आज भी उनके अवशेष जो है हमें दुनिया में जो है मिलते हैं, दुनिया के अलग अलग पार्ट में, उनको हम जीवाश्म बोलते हैं। जो दब गए होंगे पत्थर में, मिट्टी में, कहीं पर भी, और आज भी उनके पार्ट्स मिलते हैं, उनको जीवाश्म बोलते हैं। तो कॉकरोच को जिंदा जीवाश्म बोलते हैं, लिविंग फॉसिल बोलते हैं। उसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल है कि जो कॉकरोच का अगर डीएनए देखेंगे आप, उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, और आज के लाखों साल पहले की देखेंगे कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी और जो जीवाश्म जो डीएनए वगैरह है, तो आप ये पाएंगे कि इसके इसमें बहुत कम चेंजेस हुए हैं। इवन ये इतना ज्यादा रेजिस्टेंट है कि अगर न्यूक्लियर बम भी, ऐसा बोलते हैं कि अगर न्यूक्लियर बम भी गिर जाए तो कॉकरोच तो जिंदा रहेंगे, तो इसीलिए इनको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लिविंग फॉसिल इनमें से कौन है, तो आपको तीन चार एग्जाम्पल, आपको चार एमसीक्यू दिए जाएंगे, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कॉकरोच। और भी बहुत सारी इसकी स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे एक बहुत फेमस है थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं ब्लैटा ओरिएंटालिस, इसको ओरिएंटल कॉकरोच भी बोलते हैं। ये बेसिकली एशिया का नेटिव है, लेकिन ये भी पूरी दुनिया में भी पाया जाता है। एक खास बात है जो मैं आपको बता दूं कि जो फीमेल ब्लैटा ओरिएंटालिस है, इसके पास जो विंग्स है और वेस्टिजियल होते हैं, डेवलप नहीं पाए जाते हैं। तो इतनी सारी इसकी डाइवर्सिटी है, बहुत टाइप के आपको मिलेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा दूँ, देखो कितने तरीके के आपको कॉकरोच मिलेंगे। कॉकरोचेस के अलग अलग डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। देखिए ये ग्रीन बनाना कॉकरोच है, देखो ग्रीन कलर का भी कॉकरोच है। ये ओरिएंटल कॉकरोच है जो अभी मैं बात कर रहा था, ये ब्लैक होता है। येलो भी आपको मिलेगा, ये कैरी ब्लैटा ल्यूटिया ल्यूटिया, और ये आपका है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। तो आपको इतने सारे नहीं पढ़ने हैं, आपको जो कुछ भी मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कुछ भी बच्चों बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ हम आपको पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में बताएंगे। तो चलिए इसके बारे में जानने से पहले एक काम करते हैं, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सा है जो भी इसको क्लासिफिकेशन है पूरी तरीके से हम देख लेते हैं इसको कहाँ पे रखा गया है। एक किंगडम एनिमलिया में है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है बच्चों आर्थ्रो, पोडा मतलब लेग होता है बच्चों। तो आर्थ्रोपोडा मतलब क्या हुआ, इसके अंदर ज्वाइंट लेग्स पाए जाते हैं। ज्वाइंट लेग्स का क्या मतलब क्या हुआ, अभी आप देखोगे, अगर कॉकरोच का फोटो मैं दिखाऊं तो ये देखो ये लेग है, ये दूसरा लेग है, तो ये दोनों लेग आपस में क्या होगा, ये ज्वाइंट लेगेशन को बोलते हैं। दो लेग्स हो गए ना, तो ये लेग्स को ऐसा बोलते हैं, ज्वाइंट लेग्स बोलते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास ज्वाइंट लेग्स होते हैं उनको हम आर्थ्रोपोडा में लिखते हैं, रखते हैं। तो ये ज्वाइंट लेग्स हो गए, देख रहे हैं। क्लास अगर इसका देखें तो ये इंसेक्टा है,
और हेक्सापोडा है, हेक्सापोडा ऐसे ऐसा क्लास है जिसमें सारे एनिमल्स होते हैं, सारे जिनके अंदर 6 लंग्स होते हैं। आप देख सकते हो कि 6 लंग्स आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3, तो 3 पेयर हो गए मतलब 6 लंग्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर इनका देखें बच्चों, तो डिक्टियोप्टेरा है, फैमिली इनकी ब्लैटिडी है, जीनस उसका पेरिप्लेनेटा और स्पीसीज का अमेरिकाना है। अमेरिकाना स्मॉल में होना चाहिए, आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि स्पीसीज को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं, टाइपिंग एरर है। चलिए आगे देखते हैं, जैसा बताया कि इनके बहुत सारे डाइवर्सिटी मिलेगी, कुछ येलो मिलेंगे, कुछ रेड मिलेंगे, कुछ ग्रीन मिलेंगे कॉकरोच। लाइफ स्पेन की अगर हम बात करें तो लगभग 1 से 1.5 साल के बीच में इनका लाइफ स्पेन होता है, 1 से 1.5 साल तक ये जीते हैं। कॉकरोचेज अब देखते हैं हैबिट, हैबिटेट इनकी हैबिट क्या होती है और ये पाए कहाँ जाते हैं। आपको पता है कॉकरोचेज आपके घरों में होते हैं, स्टोर रूम में मिल जाएंगे, किचन में मिल जाएंगे, जहां पर इनको खाने पीने की जगह मिल जाएगी, मतलब जहां पर ऑर्गेनिक फूड होगा वहां पर ही मिल जाएंगे। कॉकरोचेज आर फाउंड इन वार्म, है ना, थोड़ा सा टेम्परेचर जहाँ अच्छा इनको मिलेगा, जैसे आपका किचन है तो किचन में क्या होगा, सारे दरवाजे वगैरह उसमें बंद होते हैं, कवर्ड वगैरह सब बंद होगा, तो उसमें उनको अच्छा एक टेम्परेचर बहुत अच्छा मिल जाता है। डैम्प प्लेसेस, डैम्प प्लेसेस मतलब होता है स्लाइटली वेट, मतलब हल्का गीला, मतलब वहां थोड़ा पानी भी होना चाहिए, हल्का मॉइस्चर भी अच्छा होना चाहिए, और वहां पर ऑब्वियसली वही पाए जाएंगे जहाँ पे फूड ज्यादा अवेलेबल हो, तो किचन इनका बड़ा फेवरेट से जगह होती है। और इट इज ऑमनिवोरस, ऑमनिवोरस मतलब कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी जो भी होगा आपके किचन में, घर में, गत्ते खा लेंगे, कागज खा लेंगे, जो आपका वेजिटेबल होगा, कुछ भी होगा, वो जो भी फूड होगा वो उसे खा लेंगे, इसलिए इनको ओमनिवोरस बोलते हैं। और इनके अंदर एक खास बात और होती है, एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसको बोलते हैं कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म का मतलब क्या होता है कि एनिमल जब अपने जैसे ही किसी एनिमल को खा ले, जैसे एक कॉकरोच किसी दूसरे कॉकरोच को खा ले फूड के रूप में, तो उसको हम बोलते हैं कैनिबलिज्म, बड़ा यूनिक सा है। तो ये कुछ भी खा लेता है, इवन एक कॉकरोच दूसरे कॉकरोच को खा लेता है, इसलिए इसे कैनिबलिज्म प्रॉपर्टी को बोलते हैं। नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल का मतलब होता है ये रात में एक्टिव होते हैं, जैसे हम लोग हैं तो हम रात में सोते हैं दिन में जागते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो रात में निकलते हैं, रात में एक्टिव होते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों नॉक्टर्नल। नेक्स्ट ऐसे बोलते हैं कर्सोरियल, कर्सोरियल का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो बहुत फास्ट भागते हैं, कभी आप कॉकरोच अगर आप किचन में देखिए तो देखिए कितना तेजी के साथ वो भागता है, तो ऐसे सारे एनिमल जो कि बहुत फास्ट भागते हैं उनको कर्सोरियल इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि ये कर्सोरियल एनिमल है। आपको जैसा बताया था कि इसकी साइज कितनी होती है, अगर हम साइज की बात करें, शेप और साइज की बात करें, तो जो शेप है इसका ये बाईलैटरल सिमेट्रिकल है, मतलब क्या हुआ, बड़ा सिंपल है, बाईलैटरल सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, ये लाइन अगर हम इसके बीचों बीच से खींचते हैं तो आप देख लीजिए जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो राइट साइड के जैसा ही है, इसको बोलते हैं इसे बाइलेटरल सिमेट्रिकल। डार्सो वेंट्रली फ्लैट, डार्सो वेंट्रली फ्लैट का मतलब क्या है, जब आप कॉकरोच देखते हो ऊपर से आपको दिखता है जो तो पीठ वाला एरिया है, जैसे हमारा बैक होता है, पीठ होती है, उसको डॉर्सल बोलते हैं, और इसको अगर हम पलट दें तो इसके जो पीछे का रीजन है ये यहाँ पे पलट दिया हमने, इसको बोलते हैं वेंट्रल व्यू या वेंट्रल रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये डॉर्सल है, ये पीठ वाला एरिया, और ये वाला क्या है, इसे वेंट्रल है, राइट। तो ये डार्सो वेंट्रली फ्लैट है, ये डार्सो मतलब दोनों साइड से फ्लैट ही चिपता है, तभी तो आप देखते हैं कि किचन में जरा भी कहीं भी जगह होती है बहुत जरा सी, तो उसके अंदर ये छिप जाता है, ये इसको छिपने में मदद करता है। ऑलराइट, चलिए साइज की अगर हम बात करें तो 0.3 to 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं, बड़ी सारी वैरायटी है, कलर की वैरायटी तो आपको बता ही दी, वेरिएशन ब्राउन हो सकता है ना, ब्लैक, ग्रीन, येलो, रेड, है ना, तो वही एक कंपैरिजन करके हमने दिखाया था कि आप देख लीजिए, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना है, इसकी लेंथ है देखो इसकी लगभग 4 सेंटीमीटर है, ब्लैटा जर्मैनिका 1.9 सेंटीमीटर, ब्लैटा ओरिएंटलिस 3.2 सेंटीमीटर, सुपेला लांगी पैल्पा 2 सेंटीमीटर। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई आपसे साइज नहीं पूछने जा रहा है नीट में, तो आपको इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी इज एक्सटर्नली सेगमेंटेड, इनकी बॉडी जो होती है सेगमेंट्स में होती है। सेगमेंट्स का मतलब बहुत सिंपल है, कोई चीज अगर आपके पास है, जैसे आपके घर में कोई बम्बू होगा, बांस जिसको बोलते हैं, तो उसमें देखिएगा उसमें ऐसे ऐसे गांठें होती है ना,
या जो बच्चे हमारे हिंदी भाषी हैं उनको पता होगा कि लाठी उनके घरों में होती है, तो देखिए उसमें गाठे होती है, तो मैं सब बोलते हैं कि जो ये लाठी है या जो बांस है वो तो सेगमेंटेड है ना, तो ऐसे। लेकिन जो बांस में खास क्या होता है कि वो अंदर से भी सेगमेंटेड होता है, अगर इसको कट करोगे बांस को बीच से तो यहाँ पर भी सेगमेंटेशन आपको निकलेगा। लेकिन ये क्या होता है, जो कॉकरोच है ये सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंटेड है, बाहर से दिखता है, ये देखो सेगमेंट देखो ये आपके सेगमेंट्स है, तो ये बाहर से सेगमेंटेड होता है, अंदर से सेगमेंटेड नहीं होता है। तो चलिए हम देखते हैं बच्चों कि फिर इसके अंदर सेगमेंट होते कितने हैं। तो अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो टोटल जो आपका एडल्ट कॉकरोच है वो टोटल उसमें 14 सेगमेंट होते हैं, है ना। अभी आपको दिखाएंगे कितने कितने सेगमेंट होते हैं। तो 14 सेगमेंट होते हैं बच्चों, उनमें से एक तो हेड हो गया, 3 सेगमेंट होते हैं थोरैक्स में, और 10 सेगमेंट आपके होते हैं इसमें एब्डोमेन में। तो आप देख सकते हैं हेड थोरैक्स एब्डोमेन, ये देखिए ये आपका हेड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक थोरैक्स है, इसमें एक, ये 3 सेगमेंट और ये 10 सेगमेंट, हो गए कितने 14। लेकिन जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो इसके पास कितने होते हैं, 6 हेड होते हैं, आई मीन 6 सेगमेंट होते हैं हेड में, और एब्डोमेन में 11 होते हैं। और जब ये एम्ब्रियो एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो जैसे हमारे हमारे केस में ले लो, आपने पढ़ा होगा कि बच्चों में नंबर ऑफ बोन्स ज्यादा होती है ना, और धीरे धीरे वो क्या होती है, बोन्स क्या होती है, धीरे धीरे नंबर ऑफ बोन्स कम हो जाती है, बोन्स आपस में डिजोल्व हो जाती है जब हम एडल्ट होते हैं। तो ऐसे ही अगर आप देखें एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे अंदर बोन्स ज्यादा होती है जब हम माँ के पेट में होते हैं, तो ऐसे ही जब पहले 6 सेगमेंट का होता है बच्चों और बाद में फ्यूज हो जाते हैं आपस में सेगमेंट और एक ही सेगमेंट बना लेते हैं, ऐसे जो एब्डोमेन वाला एरिया है उसमें भी जो 11 सेगमेंट है उसमें 2 सेगमेंट आपस में फ्यूज हो जाएंगे और आपका सिर्फ 10 सेगमेंट ही बचेगा। तो जरूर आप याद रखिएगा 14 सेगमेंट होते हैं एडल्ट में और 20 सेगमेंट होते हैं किसमें, एम्ब्रियो में, राइट। बॉडी इनकी डिविजिबल होगी हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में, बता दिया आपको। और पूरी की पूरी जो बॉडी है उनके ऊपर एक कवर होता है, आपने कॉकरोच देखा होगा बड़े चमकीले से नजर आते हैं, या ब्राउन वाला है अपना अमेरिकन अमेरिकाना प्लेटी क्या पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना, तो इसके ऊपर एक कवर होता है काइटिन का। काइटिन क्या है बच्चों, एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट में आप पढ़ेंगे आगे चल के जब हम बायो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। तो काइटिन से इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन नेचर ने दिया हुआ है कि काइटिन से चारों तरफ क्या हुआ है, एक जो काइटिन की खोल है उसके अंदर ही ऑर्गेनिज्म, आपने देखा होगा टर्टल या कछुआ, आपने देखा होगा कछुए के ऊपर देखो नेचर ने कैसे बढ़िया खोल बनाती है, कितना मजबूत से जो उसको प्रोटेक्शन देती है, वो अंदर से बेचारा कोमल होता है लेकिन बाहर से क्या है बहुत हार्ड है। तो ये तो कॉकरोच तो बहुत छोटा सा एनिमल है, तो इसके ऊपर कवरिंग किसकी कर दी, क्यूटिकल की कर दी, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कि जो स्केलेटन जैसा इसको फील देता है क्योंकि बाहर है, तो इसको एक्जो स्केलेटन बोलते हैं, ये इसको इसकी प्रोटेक्शन करता है, प्लस इसमें वाटर का लॉस होने से बचाता है, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब आपको हम बात कर रहे थे कि टोटल 14 सेगमेंट होते हैं, तो चलिए हम इसको डिटेल में आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये मेल है और ये फीमेल है, आप देख पा रहे होंगे मेल और फीमेल आपको कॉकरोच दिखाई पड़ रहा है। इसमें देखो एक हेड का रीजन हो गया, 3 रीजन जो है, 1, 2 और 3, ये तीनों रीजन मिला के आपका थोरैक्स बनाते हैं। पहले वाले को बोलते हैं प्रोथोरैक्स, दूसरे को बोलते हैं मीजोथोरैक्स और तीसरे को बोलते हैं मेटाथोरैक्स। और जो एब्डोमेन का एरिया है इसमें टोटल आपको 10 सेगमेंट बच्चों मिलेंगे। तो ये आपका हो गया प्रोथोरैक्स, ये हो गया मीजोथोरैक्स, ये हो गया मेटाथोरैक्स, ये आपका रीजन हो गया हेड का, और 10 सेगमेंट आपके किसके हो गए, एब्डोमेन के। और भी बहुत सारी इसकी बातें हैं, ये हम धीरे धीरे करके आपको बताते हैं। एक से यहां पर बताया जैसा आपको 1 to 6 सेगमेंट ऑफ द बॉडी बिलोंग टू हेड, बाद में फ्यूज हो गया था, राइट। 7 to 9 बिलोंग टू थोरैक्स, मतलब 7, 8, 9 मींस क्या हुआ, 1, 2, 3, 3 हो गए थोरैक्स में, और 10 सेगमेंट कहां पे हो गया, एब्डोमिनल रीजन ऑफ द बॉडी। अब देखते हैं, अब एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिन प्लेट कॉल्ड स्क्लेराइट। अब जैसे आपको बताया था कि जैसे कछुआ बताया था, कछुआ जो टर्टल है या टर्टोइज है उसके बहुत सारी स्पीसीज है, तो उनके ऊपर जो कवरिंग होती है, शेल होती है पूरी मोटी सी, तो उसमें भी आपने देखा होगा टर्टल को भी देखोगे तो ऐसे ऐसे कुछ, अगर टर्टल को एक ऐसे ऐसा दिखा दें तो बाहर इसमें देखोगे प्लेट्स जैसे, इसमें भी कुछ प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। आप टर्टल को ध्यान से देखना,
ऐसे ही जो आपका कॉकरोच है इसमें भी कुछ प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर होता है। जैसे प्लेट में आपको दिखाऊं, देखो ये देखो प्लेट दिखाई पड़ रहा है, ये प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इन्हीं को हम बोलते हैं स्क्लेराइट। अब एक प्लेट अगर होगी तो एक प्लेट एक साइड से ढकी होगी नहीं भाई, एक प्लेट ये इसको मैं ऐसा लेता हूं, देखिए इसको मैं इस तरह से लेता हूं,